हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। तो आज हम लोग पोयम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है रिप्रोडक्शन, जो कि एक पाकिस्तानी पोएट दाऊद कमल के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए पोयम जो है ना, तो इस पोयम के थ्रू दाऊद कमल बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी आर्ट फॉर्म क्यों ना हो, चाहे वो पेंटिंग हो, मिनिएचर हो, स्कल्पचर हो या फिर कोई सॉन्ग ही क्यों ना हो, एक आर्ट जो होता है ना वो हमेशा के लिए अमर या इमॉर्टल होता है। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी देश के या कंट्री के कल्चरल हेरिटेज को और उसके ग्लोरी को सेव करना है ना, तो फिर किसी भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो, ये एक देश के कल्चर को और उसके ग्लोरी को प्रिजर्व करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मीन्स या तरीकों में से एक है। और इस टाइटल में जो यहाँ पर वर्ड रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू कुछ रिप्रोड्यूस करना, बल्कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमें अपना टाइम यूं ही बेफजूल वेस्ट ना करके हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए और हमें अपने प्रेजेंट टाइम के ग्लोरी को, यानी जिस दौर में हम जी रहे हैं उसके ग्लोरी को, हमें किसी न किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू उसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए। और इस पोएम के थ्रू पोएट बेसिकली हमें कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में समझाते हैं और वो सभी तरह के आर्ट फॉर्म को प्रेस करते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है। तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है रिप्रोडक्शन, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि रिप्रोडक्शन ऑफ मुगल मिनिएचर कट आउट फ्रॉम लास्ट ईयर्स कैलेंडर एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ गांधारा स्कल्पचर बॉट फॉर अ सॉन्ग। तो इन लाइन्स में रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी भी कंट्री के पास्ट हेरिटेज को किसी आर्ट फॉर्म के अंदर या फिर किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू रिप्रोड्यूस करना। फिर मुगल मिनिएचर का मतलब है मुगल एम्पायर या मुगल पीरियड के जो छोटे साइज के पेंटिंग्स हुआ करते थे ना वो। फिर फ्रैगमेंट्स का मतलब है किसी स्कल्पचर या किसी मूर्ति के बचे हुए अंश या पीसेस। और गांधारा स्कल्पचर का मतलब है गांधारा म्यूजियम के स्कल्पचर, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान में लोकेटेड है और जिसे आज के मॉडर्न टाइम में कंदहर भी कहा जाता है। तो इस स्टैंजा का ओवरऑल मीनिंग ये है कि एक बार जब पोएट दाऊद कमल गांधारा म्यूजियम गए हुए थे, तब वहाँ पहुंचकर वो मुगल पीरियड के कुछ पेंटिंग्स को या मिनिएचर्स को और गांधारा या कंदहर रीजन के कुछ पुराने स्कल्पचर्स को वो ऑब्जर्व करने लगते हैं। और पोएट हमें ये भी बताते हैं कि उन मुगल पेंटिंग्स या मिनिएचर्स को उन गांधारा स्कल्पचर्स के साथ ही उन्हें लास्ट ईयर डिस्प्ले के लिए निकाल कर उसे तराश कर बाहर रखा गया था, ताकि उसे देखकर और उसे एक इंस्पिरेशन की तरह यूज़ करके एक सॉन्ग को क्रिएट किया जा सके। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, प्रिंस सिद्धार्था गॉन इन टू द नाइट विद चन्ना एंड ओल्ड ताजिक्स इन देयर टेंट ड्रिंकिंग चाइना टी। तो इन लाइन्स में प्रिंस सिद्धार्था जो यहाँ पर वर्ड है ना, वो बेसिकली भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के लिए रेफर किया गया है। फिर चन्ना जो यहाँ पर वर्ड है ना, वो एक्चुअली प्रिंस सिद्धार्था या गौतम बुद्ध के जो चैरिएटर या सारथी थे ना, तो उनके लिए रेफर किया गया है। और ताजिक्स एक्चुअली उन बुजुर्ग हो गए ताजिक्स को या उन लोगों को कहा जाता है जो कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में रहा करते हैं और वो पर्शियन ज़ुबानी या लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस स्टैंजा का ओवरऑल मीनिंग ये है कि पोएट दाऊद कमल जब उस गांधारा म्यूजियम में जब वो अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स और मिनिएचर्स को जब वो देख रहे थे, तो तभी अचानक से पोएट उनमें से एक पेंटिंग में या एक मिनिएचर में देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे प्रिंस सिद्धार्था, जो कि आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, तो कैसे वो रात के समय वो अपने रॉयल सर्वेंट्स और एक चैरिएटर जिनका नाम चन्ना था, तो कैसे वो उनके साथ उन ओल्ड ताजिक्स को क्रॉस करते हुए जा रहे थे और वो ओल्ड ताजिक्स अपने टेंट में बैठकर वो चाइना के पत्तों से बने चाय को एंजॉय कर रहे थे। तो इस मिनिएचर का यहाँ पर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यही है कि जब गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ वो अपने नगर या अपने किंगडम का टूर कर रहे थे, तब कैसे वो चार ऐसे दृश्य को देखकर या चार ऐसे साइट को देखकर उनका माइंड चेंज हो गया और वो फिर एनलाइटनमेंट या लिब्रेशन की राह पर चल पड़े। और अब इसके आखिरी स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, आमंड ब्लॉसम्स फॉल एंड अ क्रो कार्व्ड आउट ऑफ इबोनी पुशेस इट्सेल्फ थ्रू द रेन आई सिट स्क्रैपिंग द रस्ट ऑफ माई एंशियंट कॉइन्स। तो इन लाइन्स में आमंड ब्लॉसम का मतलब है आमंड ट्री के ऊपर जो फूल खिले होते हैं ना वो।
फिर इबोनी का मतलब है एक काफ़ी हार्ड या सख्त लकड़ी जो कि काफ़ी डार्क कलर का होता है, और स्क्रैपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या रिमूव करना। तो इस आखिरी स्टैंजा में पोएट बेसिकली उस गांधारा म्यूज़ियम के अंदर वो दो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें से पहला तो एक आमंड ब्लॉसम का पेंटिंग होता है और दूसरा एक कौवे का इमेज होता है जो कि काफ़ी सख्त लकड़ी के ऊपर या इबोनी वुड के ऊपर उसके इमेज को तराशा गया होता है या कार्व किया गया होता है। और उस कार्विंग में या उस कौवे के इमेज में भी ये दिखाया गया होता है कि कैसे वो क्रो या वो कौवा इतने बारिश में भी वो इतना स्ट्रगल कर रहा है और वो खुद को पुश कर रहा है। तो उस कौवे के इमेज को और उसके स्ट्रगल को देखकर पोएट को ये लगता है कि ये कितना स्ट्रगल कर रहा है और ये इतने बारिश में भी ये खुद को पुश कर रहा है, और मैं यहाँ पर बैठकर मैं सिर्फ एक पुराने से सिक्के के ऊपर मैं उसके रस्ट को या उसके जंग को हटा रहा हूँ। तो यही चीज़ पोएट को इंस्पायर करता है उन्हें ये पोएम लिखने के लिए, और इस पोएम के थ्रू वो हमें भी इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपने प्रेजेंट एज के ग्लोरी को हम आर्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू उसे रिप्रोड्यूस करें, जैसा कि उन्होंने इस पोएट्री के थ्रू किया है, और वो हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो इसी मैसेज के साथ ये पोएम यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।